किसी टीचर से पढ़ाई करने के लिए आपने स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ देखी है? अगर टीचर के पढ़ाने का तरीका ही अनोखा हो तो ये सपना नहीं हकीकत कहलाएगा। ये कौन है? पटना वाला यहीं पे आएगा क्या? यहीं पे खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं, जहां जाएगा तो हाथ दीजिए, इसे उड़िया देगा, उतर जाएगा खोपड़िए पे, चपा जाएंगे वहीं पे। नाम खान सर। बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया है। शौक बचपन से ही सवाल पूछने का था और आज लाखों के सवालों के जवाब देते हैं, वो भी बहुत कम फीस में, क्योंकि लक्ष्य है लोगों को काबिल बनाने का, ना कि उनको पढ़ाकर उनसे पैसे कमाने का। लड़कों के अंदर एनर्जी है, वो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, उनको अपनी भाषा में सीखना है। मेरा मकसद यही रहा कि लड़के जब मेरे क्लास में आए तो वो ये सोच कर ना आए कि हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ये सोच कर आए कि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, और एक एनर्जी के साथ आए और हंस खेल के जाए वहां से। लो सोचा तू ही ना पोती थी उसको, ये सब नहीं करना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए एकदम इंसान। इतना बेहतरीन ढंग से वो पढ़े और टीचर इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाए कि जिस तरह मूवी देख के आते हैं याद हो जाता है, उस तरह रतिया में उतारने के लिए इस पेंटिंग टेंटिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तब वहाँ पे लाइट जलाना पड़ता है, भुकभुकुआ लाइट। चाहते तो शिक्षा को अपनी कमाई का जरिया बनाकर करोड़ों रुपए कमा सकते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, पर इन्होंने जो रास्ता चुना वो मुश्किल जरूर है, पर वो मुश्किल रास्ते ही अक्सर इंसान को कामयाबी की ओर ले जाते हैं। जो लोग हमें करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से ही फीस लेंगे, और मेरा मकसद यही है कि समाज के अंतिम पीढ़ी को हम शिक्षा दे सके, जिसे तकिया खरीदने का पैसा नहीं, वो अपना हाथ मोड़ कर तकिया लगाता है, तो उसे हम कैसे पढ़ा सकते हैं जब हमें कोई अगर 1 करोड़ में खरीदेगा तो वो स्टूडेंट से लेगा। इसलिए हम कम से कम में हम शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वो लोग जागरूक हो सके। एक अच्छे स्टूडेंट के पीछे सिर्फ एक टीचर का हाथ नहीं होता, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी है जिनकी उंगलियां पकड़कर हमने चलना सीखा है। हमारा अभिभावक के लिए भी मैसेज रहेगा कि गार्जियन के लिए कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार दीजिए, उसे प्यार दीजिए जितना दे सकते हैं, कोई कमी मत कीजिए, लेकिन उस पर हमेशा नजर बैठाए रखिए कि गलत करेगा, यही नजर एक दिन उसको पूरी दुनिया के आगे खड़ा करेगा। खान सर जैसे लोग हैं जिन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा, इसलिए गरीबी को हराने का सबसे बड़ा हथियार अपना लिया, यानी शिक्षा, और अब उसी हथियार से वो तैयार करना चाहते हैं एक ऐसा भारत जो पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ना चाहता है, सिखाने के साथ साथ खुद सीखना भी चाहता है। ऐसे ही लोगों को मैं आरजे प्रवीण करता हूं सलाम, एंड विशिंग देम ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे।